Good morning students. Today I will discuss some important questions related to chapter 9, that is coordination compound. Now let us start. Question number 1. Write the formula for the following coordination compound. First is tetraamine diaqua cobalt 3-chloride. इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखो देखो बेटा, इन दिस केस टेट्रा अमीन मीन्स NH3 का 4 times, डाई एक्वा मीन्स वाटर लेंगे, वाटर को हम 2 times, इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 3-chloride, तो यहाँ कोबाल्ट लेंगे बेटा, कोबाल्ट पे 3 charge है, इट मीन्स ये आपके पास ब्रैकेट ऑफ होंगे। क्लोराइड नीचे है, क्लोराइड, अब बेटा कोबाल्ट पे 3 है तो ये स्पेसेस तो आपकी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, तो 3 कहाँ जाएगा? नीचे, तो COH2O twice, NH3 का 4 times, ब्रैकेट ऑफ एंड दैट इज Cl3, ठीक है। दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा, पोटाशियम टेट्रा साइनोनिकलेट 2, इस केस में क्या लिखेंगे बेटा? देखो पहले हमने पोटाशियम रखा, देखो फिर हमने ब्रैकेट लगाई, अब टेट्रा साइनो है, टेट्रा साइनो मतलब CN का 4 times, ब्रैकेट ऑफ, निकलेट निकल है, और 8 मतलब 2 negative charge है इसके ऊपर, मीन्स स्पीसीज फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, 2 negative charge है बेटा। जब इसको रिमूव करोगे आप 2 को, तो 2 किसके नीचे आ जाएगा? K के पास, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपके बन जाएगा K2 ब्रैकेट NiCN4, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिस इथेन 1,2-diamine, इसका पूरे का नाम क्या है? EN-thrice हो गया ना, EN-thrice। क्रोमियम 3-chloride, तो यहाँ पे लिखा आपने Cr, ब्रैकेट ऑफ करो बेटा, और क्लोराइड ये है ही आपके पास, अब 3 है तो इसके ऊपर +3 charge है, इट मीन्स ये 3 कहाँ चला जाएगा? 3 negative में, तो ये आपकी स्पेसिस बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ अमीन ब्रोमो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट 2, ठीक है, ये बनाना है आपको। देखो कैसे बनाओगे आप, इस केस में देखो बेटा, इस केस में आप जो है देखो ये बताना है ना आपको, फोर्थ वाला पहले आप प्लैटिनम लिखा आपने PT, अब आपको क्या लिखना है बेटा? अमीन, अमीन है तो NH3 लिख दिया, ब्रोमिडो है तो Br लिख दिया, क्लोरिडो है तो Cl लिख दिया, नाइट्रीटो N है तो किससे स्टार्ट करेंगे? NO2 से, और ब्रैकेट बंद कर दिया, अब 8 लगा है 2 negative, तो 2 negative पे चार्ज लिख दिया सिंपली, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट इज डाई क्लोरिडो बेस इथेन 1,2-diamine प्लैटिनम 4-nitrate, ये कैसे बनेगा आपका? देखो इस केस में देखो फिफ्थ वाला है, प्लैटिनम आपने यहाँ लिया, डाई क्लोरिडो का मतलब क्या है? Cl2, बिस इथेन 1,2-diamine, तो इट मीन्स EN का 2, ब्रैकेट आपने बंद कर दी, इसके बाद नाइट्रेट, फिर हम मेटल लिखते हैं ना, मेटल के बाद जो होता है वो ब्रैकेट से बाहर आता है, अब नाइट्रेट है NO3, क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे जो है अपने पूरे लिगेंड्स हैं, 2-chloride है और इन बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है, तो 2 2 4, तो 4 + 2 6 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज
आयरन हेक्साइनोफेरेट। देखो बेटा, पहले आपने एफ ही लिखा, ठीक है, अब आपको लिखना है आयरन पहले है ना, तो अब आप ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि आपका ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। हेक्साइनोफेरेट, फेरेट मतलब फिर से आयरन आएगा बेटा, एफ ई सी एन सिक्स, और आपने यहाँ लगाया। अब इस पे कितना है, ये आयरन थ्री है, ठीक है, और ये आयरन कितना है, टू है। तो अब इस पे तो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, थ्री प्लस है ये, इस पे क्या है, टू प्लस चार्ज। तो ये वाली चीज़ यहाँ नीचे आ जाएगी, इसको लिखेंगे टू और इस पीसिस को लिखेंगे थ्री, ठीक है, ये बन जाएगा, समझ आए, ये आपकी स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब हमें क्या करना है बेटा, कुछ आईयूपीएसी नेम गिवन है, ये वाले, इनको आप, इनसे आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम नोमेनक्लेचर बताना है। देखो बेटा, फर्स्ट क्या है इसमें, कैसे बताओगे, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, क्लोराइड। अब कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो बेटा, सीएल के नीचे थ्री है, इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट स्पीसीज है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स यहाँ क्या लगाओगे, थ्री, ये वाला थ्री यहाँ से कहाँ चला जाएगा, क्रॉस करते हैं मतलब इनको आपस में ऐसे, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये थ्री प्लस आ जाएगा, तो कोबाल्ट जो है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, और इस वजह से क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड से तो जीरो शो करेगा, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस थ्री, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे बनाओगे, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थ्री क्लोराइड, क्योंकि ये नेगेटिव स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो बेटा एक बार दोबारा से कि इसका कैसे आया, इस स्पीसीज का आपके पास ये वाला देखो, इसमें यहाँ पे आएंगे प्लस थ्री, प्लस आयरन को सेंट्रल एटम मान लेंगे एक्स, दैट इज माइनस, अब ऑक्सलेट पे देखो सीओ नेगेटिव होता है ना, ये भी सीओ नेगेटिव है, तो क्या आया, टू नेगेटिव चार्ज, तो थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, ठीक है, ये आ गया। इसका नाम क्या है, पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, बिकॉज दिस स्पीसीज इज नेगेटिव थ्री, फेरेट थ्री, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, के टू पी डी सी एल फोर, इसमें कैसे करोगे आप, देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लस टू प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अपना सेंट्रल एटम होता है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, ये आ गया आपका। अब इस केस में क्या है बेटा, हम सीधा बताएंगे कि पोटाशियम टेट्रा क्लोराइड क्लोरिडो टेट्रा क्लोरिडो प्लेडमी एट, एट लगाना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और फिर क्या आएगा, टू, बिकॉज दिस स्पीसीज इज नेगेटिव, नेगेटिव आयन वाली है, चाहे हमारा चार्ज प्लस आया हो बट स्पीसीज नेगेटिव है, तो बेटा एट लगाएंगे और फिर हम टू लिखेंगे ऐसे रोमन में, ठीक है, कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा, लास्ट, ये क्या है, देखो दिस स्पीसीज इज पॉजिटिव, क्लोराइड इज नेगेटिव, कैसे नाम दोगे आप इसका, देखो पहले अमीन फिर क्लोरो, तो अल्फाबेटिक में ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो डाई अमीन क्लोरिडो मीथेन अमीन
ठीक है, प्लैटिनम, ठीक है, फिर इसका चार्ज बताओगे कितना आएगा, ठीक है, और फिर क्लोराइड लिखोगे। अब चार्ज निकाल लो एक बार, इसका क्या है देखो, इसका जो चार्ज आएगा, देखो प्लैटिनम को एक्स माना बेटा, अमोनिया न्यूट्रल होता है, अमीन वाला लिगेंड्स, क्लोरीन पे -1 चार्ज, और मिथाइल अमीन पे कौन सा चार्ज होता है, मिथाइल अमीन जो होता है, या मिथेन अमीन है ना, ये मिथेन अमीन कौन सा चार्ज है इस पे, दिस विल बी अगेन न्यूट्रल, और ये किस पे होता है, अब लास्ट में भी तो है ना इसके -1, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स -2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +2, तो इस पे जो हमारी स्पेसिस बनेगी वो +2 बनेगी, ठीक है, तो प्लैटिनम पे कितना चार्ज, +2, ठीक है, दिस इज वेरी इजी, सो यू कैन डू प्रैक्टिस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में आपको दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, देखो एक तो है एन आई सी एन फोर, टू नेगेटिव चार्ज, आपको इस स्पीसीज में ये बताना है कि ये स्पीसीज जो है स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री शो करती है, और इसका जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, एक्स -4 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +2 आंसर आया, तो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल की कॉन्फिग्रेशन D8 कॉन्फिग्रेशन है, तो बेटा आपने सबसे पहले इसकी कॉन्फिग्रेशन लिखी D8, ठीक है, क्या देखो ऐसे होती है 3D8 4S2, अब ये निकल +2 स्टेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से कैंसिल हो गए, 3D8 बचे बस, ठीक है, अब आप इसे कैसे फिल करोगे, 3D8 आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, देखो बेटा 1 2 3 1 2 3 4 5, और फिर 6 7 8 वापस से फिल कर दिए, 4S आप वैकेंट रखना है, 4P और 4D भी आपको वैकेंट रखना है, अब यहाँ पे 4 साइनाइड आयन है बेटा, जो क्या करते हैं, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं या स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं, अब हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 साइनाइड आयन प्रेजेंट है, अब हम चेक करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अब आपको पता है कि साइनाइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से वहाँ पे पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, ठीक है, अब पेयरिंग करनी है तो हमारे पास बाकी तो पेयर है, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो ये क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा बेटा, ठीक है, पेयरिंग होने पे हमारे पास अब क्या बचा, एक डी ऑर्बिटल, एक साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड और 4 साइनाइड, यहाँ तक अपने साइनाइड कंप्लीट हो गए, तो इसकी कॉन्फिग्रेशन रही DsP2, अब इसका नेचर क्या है, दिस इज डायमैग्नेटिक बिकॉज इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, इस वजह से क्या रहेगा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ VBT पहले डायग्राम बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप उसमें देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, आफ्टर दैट आप उसकी पेयरिंग करोगे, उसी के हिसाब से उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, ठीक है, दीज आर द स्टेप। नाउ नेक्स्ट इज NiCl2 नेगेटिव, अब इसमें बताना बेटा, देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो पिछले वाला भी क्या था, NiCN4 2 नेगेटिव, यही था, देखने में दोनों एक जैसे हैं, बट इसमें क्या है, देखो इसमें Cl है, अब क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, इस केस में आपकी जो है पेयरिंग नहीं बनेगी, देखो पेयरिंग नहीं हुई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेगा, अब पेयरिंग नहीं हुई तो हमने एज इट इज़ बनाया, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर्ड, ठीक है, तो अब हमारा जो है क्लोरीन एटम कहाँ जाएगा, देखो 1 क्लोरीन 2 3 4 यहीं पे बन गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, 1s और p3, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनी, ठीक है, अब इसमें क्या है,
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ड्यू टू द वीक फील्ड लिगेंड्स इट शोज द पैरा मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो ये कैसे शो करेगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर शो करेगा। और ज्योमेट्री कैसी आएगी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेटा इसकी ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। पिछले केस में dsp2 था तो उसकी ज्योमेट्री क्या थी, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, तो ये आपको बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक बट NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल एंड वाई, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब बेटा यहाँ पे CO आ गया, कार्बोनिल लिगेंड है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे शो करेंगे, देखो वैसे तो देखने में इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफरेंट है, एक पैरामैग्नेटिक शो करता है एक डायमैग्नेटिक शो करता है। कैसे, देखो क्योंकि इनका जो नेचर ऑफ लिगेंड्स है वो डिफरेंट है ड्यू टू पैरामैग्नेटिज्म। अब आप इसको ना सिर्फ एक ही रीजन से शो कर सकते हो, निकल दोनों में सेम है, मेटल तो सेम है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि इसमें तो Cl है और इसमें क्या है CO, तो बेटा इसमें जो Cl है, यहाँ मिसप्लेस है बेटा, ये Cl है, ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स की वजह से पेयरिंग तो होगी नहीं, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3d, ठीक है 3d जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होंगे, पेयरिंग तो होगी ही नहीं। अब अनपेयर्ड है तो ये कैसा नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म। अब CO का केस लेते हैं, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और ये कैसा नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने से कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा और वो कैसा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है जो आपका NiCl4 था बेटा, देखो उसको हमने एज इट इज, सॉरी NiCO4 है, ये NiCO4 इसका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो हमने क्या है पहले इसको सीधा लिख दिया D8 कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कार्बोनिल एक न्यूट्रल एटम है तो निकल हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D8 4S2, तो हम ऐसे फिल करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब बताएंगे CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स 4S के कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 3D के अंदर चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन से इसके पास एक इसके पास चला जाएगा और वहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन देगा, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये कैसा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का बन जाएगा। ठीक है, यू कैन डू इजीली। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Fe2H6+ is strongly paramagnetic, whereas FeCN6+ is weakly paramagnetic. Explain करना है आपको, कैसे करोगे देखो, इसमें जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अब आयरन है X मान लिया, वाटर न्यूट्रल लिगेंड से जीरो है, किसके इक्वल है प्लस थ्री की, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आई है, इस केस में क्या करोगे बेटा, हेयर X माना आपने, साइनाइड पे -6 दैट इज इक्वल टू -3, तो क्या आया -3 + 6, क्या आ गया बेटा प्लस थ्री आपका आंसर आ गया, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस थ्री है। बट अब आप क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है एक वीकली, स्ट्रॉन्गली मतलब जिसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, वीकली मतलब जिसमें कम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आयरन की होती है 3d6 4s2, एग्जैक्ट यही होती है। अब आयरन पे प्लस थ्री चार्ज है दोनों पे, तो टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, क्या बचा 3d5 बचा। अब 3d5 कैसे करेंगे, 3d5 के अंदर हमारे पास फिल कर दिया, हंस रूल के अकॉर्डिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली इन द डी ऑर्बिटल्स, फिल कर दिया। अब देखो बेटा
सी एन नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में चला जाएगा, लास्ट सेकेंड इसमें चला जाएगा, तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज लेफ्ट, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट इन डी ऑर्बिटल, सो इट इज अ वीकली पैरा मैग्नेटिक, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट बेटा नेक्स्ट केस देखते हैं हम, बट अगर हम अब वोटर का केस देखते हैं तो वोटर में तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, अब वोटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो वीक फील्ड लिगेंड्स की वजह से पेयरिंग तो होगी नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फाइव, तो फाइव अनपेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से क्या होगा, ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और ये वीकली पैरामैग्नेटिक है, तो डायग्राम के हेल्प से आप इजीली इसको बता सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन CONH3+ इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स व्हाइल NINH3+2+ इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करता है, ये आउटर है, दोनों सेम है बट सेंट्रल मेटल एटम क्या है इसका अलग है। देखो फर्स्ट केस हमने ये लिया, सेकेंड ये लिखा, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कोबाल्ट को हमने मान लिया एक्स, वो अमीन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इट मीन्स किसके इक्वल हो गया, +3 के इक्वल। अब इसमें भी निकल किसके इक्वल है, अमीन न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो 0+0 × 6 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू +2, तो ये +2 आ गया, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखो, कोबाल्ट की होती है 3d7 4s 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स काट दो, 3d6 बचा, निकल की होती है 3d8 4s 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स काट दो, 3d8 बचा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखो बेटा अभी इस केस में जब हमने 3d6 फिल किए तो 1 2 3 पहले सिंगली फिल किए, फोर्थ में पेयरिंग, इसमें 5 तक फिल करके सिक्स में पेयरिंग कर दी, इस केस में क्या होगा, 3d8 है तो 8 हमने इस तरीके से फिल कर दिए। अब आप देखो अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो वहाँ पे पेयरिंग करनी है, अब हम पेयरिंग करेंगे तो लास्ट वाला सेकंड पे चला जाएगा और ये वाला इस पे चला जाएगा, पेयरिंग होगी, ये दिखा दी बेटा यहाँ पे पेयरिंग, तो कोबाल्ट की हाइब्रिडाइजेशन क्या बचेगी, अब D2, अब हमारे पास कितने अमीन थे, 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6 बचे, तो इसकी कॉन्फिग्रेशन रहेगी बेटा D2SP3, ठीक है। इस केस में देखो बेटा जो अमोनिया है यहाँ पे, ये भी क्या करेगा, पेयरिंग कॉज करेगा, लेकिन केवल एक ही 3D ऑर्बिटल है वही तो जाएगा इधर, तो यहाँ पे पेयरिंग ये वाली बन जाएगी, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करेगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स इसका रहा 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी देखो कैसे बनी, D2 बनेगी ना बेटा, इधर भी D है इधर भी D है, तो इसको D2 बोलेंगे, D2 और sp3, तो इसको कर दिया D2sp3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जाएगा D2sp3, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि एक D यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो लास्ट वाला तो लास्ट D में ही गया ना, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स D में गया है, तो हम इसको लिखेंगे sp3d2 कॉन्फिगरेशन, क्या लिखेंगे, sp3d2। जब हम D ऑर्बिटल स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और जब हम D ऑर्बिटल लास्ट में लिखते हैं तो वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस देना है, यू कैन डू इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वेयर प्लेनर PtCl4 2- आयन। देखो बेटा इस केस में क्या होता है, हमारा प्लेटिनम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कैसे निकालो, x-4 = -2, x = -2+4, दैट इज इक्वल टू +2, ये बन गया आपके पास। अब देखो +2 आया ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने यहाँ पे रख दी। अब इसमें क्या होता है, इट फॉर्म्स स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या बनाता है, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इट मीन्स कैसे बनाएगा, देखो आपने +2 लिया प्लैटिनम, जो यहाँ पे प्लैटिनम है बेटा, प्लैटिनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5d8 6s2 होती है, ठीक है। अब आपने दो इलेक्ट्रॉन्स को कट कर दिया, 5d8 बचा, अब D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर दो, यहाँ पे 5d8 है, ठीक है, तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब आपको नेक्स्ट बनाना है, नेक्स्ट किस में जाएगा, 6s में, फिर 6p में जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। तो इस केस में देखो
अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो कर दो इसकी पेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब इसमें कौन आएगा, साइनाइड, दो साइनाइड, 3, 4, 5, हमें तो चार ही चाहिए ना, बस 4 तक। तो इसकी कॉन्फिग्रेशन रहेगी DSP2, क्या रहेगी, DSP2। अब ये क्या बताएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेट प्लेनर शेप जो करता है। तो इसमें जो है आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर अप है, ठीक है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट शोज द स्क्वेयर प्लेनर शेप ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, द हेक्सा एक्वा, इसमें एक्वा है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, हेक्सा एक्वा। मैग्नीज टू आयंस कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वाइल द हेक्सा साइनो आयंस कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कैसे एक्सप्लेन करूँगी। देखो बेटा, आपको पता है एक ये वाला है MnH2O6 2+, एक MnCN6 4+। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आप ये सेंट्रल एटम है X- दिस इज न्यूट्रल दैट इज इक्वल टू +2। यहाँ पे देखो X-6 दैट इज इक्वल टू -4। X किसके इक्वल होता है, -4 + 6, कितना आया बेटा +2। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, ठीक है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3D5 4S2, तो 4S2 तो कैंसिल हो जाएगी, तो ओनली 3D5 बचेगी। मैग्नीज में सेम, इन दिस केस दोनों का सेम है, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड इज ऑक्टाइडल, इसमें भी ऑक्टाइडल बनेगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी ऑक्टाइडल बनेगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। आप देखो, अब इस केस में क्या है कि जो वाटर है वो क्या है, वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड्स है वाटर, ठीक है। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे, देखो बेटा, जब हम डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करते हैं ऐसे, एक मिनट, ऐसे स्प्लिट करते हैं, 1, 2, 3 बना दिया, 1, 2, ये क्या है T2Z, और ये क्या है बेटा AZ सेट, ऐसे बनाते हैं। अब मैग्नीज के अंदर कितने हैं, D5 है, D5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1, 2, 3। अब मुझे क्या पता 5 वहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या पेयरिंग होगी उसी में, क्योंकि बेटा यहाँ पे वाटर वीक फील्ड है, और जब हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा 5, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, T2Z3 AZ2, ये बनेगी, ठीक है, और पेयरिंग नहीं होगी। नेचर कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा, हाईली पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे इसे हम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। बट इस केस में देखो बेटा, जब हम लेते हैं साइनाइड का केस, तो इस केस में हमारे पास क्या है, CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो मीन्स पेयरिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं इसका डायग्राम बना के, D5 कॉन्फ़िगरेशन है सेम, 1, 2, 3, दिस इज T2Z, यहाँ पे 1, 2, दिस इज EZ, ठीक है बेटा। अब इसमें हम 5 करते हैं, 1, 2, 3, अब यहाँ पे पेयरिंग है क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाइडल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अगर यहाँ पे पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन लो हो जाएगी, और लो स्पिन होगी तो वो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखो, यहाँ पे हमने पेयरिंग कर दी, 5 थे, 5 पेयर हो गए, बट अब क्या हुआ, देखो
अब इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गए, पांच इलेक्ट्रॉन्स थे पांचों फिल कर दिए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, यहाँ स्मॉल टी आएगा बेटा, T2Z5Ez0, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब ये वाला जो है इसका जो नेचर रहेगा वो पैरा मैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। बट दिस पैरा मैग्नेटिज्म इज वीकली पैरा मैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये शो हो। अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, इट मीन्स इट विल पेयर अप, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, इट विल फॉर्म द स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन बनाएगा, और लो स्पिन है तो फिर बाद में उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट द मैग्नेटिक नेचर, मीन्स दिस स्पीसीज इज पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो हम किस बेसिस पे बताते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड पे बताते हैं, ठीक है। तो यू विल लर्न द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस सीरीज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ VBT एंड CFT, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।